से हमारी पार्टी बूथ स्तर पर मजबूत है और हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर तक पहुंच गए, तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं तो बताऊं, जब आपका टीवी चल रहा था 8-10 दिन से, तो सबसे ज़्यादा कोई हमारा शुभचिंतक गांव में रहता है, तो आप जानते हैं समर्थक और कार्यकर्ता, वो सब दिन भर फोन पर ही लगे रहते क्या हुआ। तो देखिए, बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी कि हमारी इतनी बड़ी जो हमारी संगठन की ताकत है, आज भी मैं जब कई महीनों से उनके बीच नहीं जा पाया तो लोग एक्टिव रहे हैं। तो मैं तो अपना जो हमारा प्रदेश का जो नेतृत्व है, प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के, उनसे मैं अनुरोध करूंगा, 2-3 अनुरोध। देखिए, अब तो संगठन में मुझे काम करना ही है, क्योंकि पार्टी अपनी है, मजबूती इसको देनी है। तो संगठन को मजबूत करने के लिए जो निर्णय लिए गए कि 33 प्रकोष्ठ बनाया गया था, अब इन लोगों ने उसको 12-13 कर दिया। अरे साहब, बढ़ता है, 33 को 53 पर ले जाइए, लेकिन घटाते क्यों? तो मैं तो अनुरोध करूंगा कि 33 जो प्रकोष्ठ हमने उसमें बनवाए थे, उन सबको पुनर्जीवित करें। सबसे पहला, क्योंकि हमारे बहुत सारे अध्यक्ष हैं, बहुत सारे हमारे साथी हैं, सब जगह काम कर रहे हैं, साहब आप और बनाइए, और बहुत जो बड़ा बड़ा हमारा जो प्रकोष्ठ है जिसमें उत्तर और दक्षिण था, उसको भी करिए। और मैं तो संगठन का आदमी हूँ, अब तो मैं समय भी ज़्यादा उसी पर ही दूंगा। तो जहाँ भी हमारे साथ संगठन में बुलाएंगे, मैं हमेशा उपलब्ध रहूँगा। तो मैं आपके माध्यम से हमारे जितने संगठन के साथी हैं, बूथ स्तर से लेकर के केंद्रीय स्तर तक, सबके प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा, उनके स्नेह के लिए, उनके सहयोग के लिए, और अपने नेता आदरणीय नीतीश बाबू के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ, और उनको मैं बहुत बहुत मंत्री बने रहेंगे, इस्तीफा देंगे या मंत्रिमंडल में बरकरार रहेंगे? भाई, ते तो बताया नहीं, तो प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार होता है ना जी, तो हम तो, अरे हम तो उनके पास जाएंगे कि सर मेरे लिए क्या आदेश है। दो नियम है सर, एक कि आपका कार्यकाल 7 जुलाई तक या 6 जुलाई तक है, दूसरा उसके बियॉन्ड आप 6 महीना और रह सकते हैं प्रधानमंत्री के विशेषाधिकार पे। तो क्या आप दोनों में से क्या चुनना चाहते हैं, या तीसरा कि आप इस्तीफा देना चाहते हैं? मैं देखिए, मैं कुछ चुनना नहीं चाहूंगा। अच्छा। मैं सब जो है ये, क्योंकि जहाँ तक मंत्री का निर्णय है, मैंने बताया ना भाई कि मैं पार्टी की तरफ से बनाया गया था, तो है स्पष्ट। तो भाई, पार्टी ने हमको 6 जुलाई तक दिया है। अच्छा भाई, स्पष्ट है, देखिए ना। और चूंकि प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री तो कभी इस्तीफा मांग सकते हैं, पर हम भी इस्तीफा दे सकते हैं, ये तो सारी चीजें। लेकिन हम तो चूंकि हमारे सब सर्वमान्य नेता है, सब लोग उनसे बात करेंगे ना। पार्टी ने कोई आदेश नहीं दिया है अभी आपको? पार्टी ने हमको तो कभी कोई आदेश दिया ही नहीं आज तक। आपको ये नहीं कहा कि RCP जी आपका टिकट कट रहा है तो आप केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे? सुनिए, हमको जिस दिन जिस मिनट करेंगे, तो दिल्ली जाने में कितना सेकंड लग रहा है, तुरंत। दूसरी बात, मंत्री हूँ तो मंत्री तो फाइनली मैंने बताया प्रधानमंत्री का।